हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद सोनी। आज हम चावल की कुरडई बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बनती है, आप देख सकते हैं। ये फ्राई होने के बाद ट्रिपल हो जाती है, इतनी फूल जाती है ये, और इसका कलर देखिए आप कितना सफ़ेद आया है। तो इसी तरह से चावल की कुरडई आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ बहुत सारे पापड़ की रेसिपी शेयर की है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, जिसे मैंने 3 दिन तक भिगोकर रखा था। चावल को हमें 3 दिन तक भिगोकर रखना है। तो 1 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून साबूदाना लिया है, जिसे हम खिचड़ी को भिगोते हैं उसी तरह से साबूदाना को भी मैंने भिगो कर रखा है। और ये जो चावल है, इसे हमने 3 दिन तक भिगो कर रखा था, और उसका पानी जो है वो हर रोज़ चेंज किया है मैंने। पानी को हमें हर रोज़ चेंज करना है, और उसी के साथ 2 चम्मच साबूदाना लिया है मैंने। तो अब हम इसमें एक मिक्सर का जार लेंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो उसमें मैंने साबूदाना डाला है, और जो हमने चावल लिए थे उसका पानी निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। और जैसे हम इडली के लिए पीसते हैं उतना ही बारीक हमें इसे पीस लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं कितना बारीक पिसा है। जितना आप इसे बारीक पिसवाओगे उतना ही हमारी जो कुरडई है बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम इस आटे को नाप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, तो एक बोल और थोड़ा सा आटा ऊपर है। जितना हमारा पानी है, जितना हमारा आटा है उससे हिसाब से हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े कढ़ाई ली है, मोटे तले वाली, और जो हमारा आटा था उससे दुगना हमें पानी लेना है। तो एक बोल और थोड़ा सा आटा ऊपर था हमारा, तो हम इसमें 2.5 बोल पानी डालेंगे। ये देखिए, और पानी को अच्छे से उबाल आने देना है। दुगना पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी निकाल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके इस्तेमाल करेंगे। और उसमें मैंने डाला है नमक। हम इसमें सोडा और पापड़ खार कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक हमें इसे डालना है। अगर आप पसंद करते हो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हो, पर जीरे से इसका कलर सफ़ेद नहीं आएगा। तो सिर्फ नमक डाल के हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हमारे पानी को उबाल आया है, गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, और एक हाथ से हम आटा डालेंगे और दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसे हमें जल्दी जल्दी हिलाना है, और जो हमारे मिक्सर के जार में बचा हुआ था उसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। गैस की फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है, अब हम इसे लो गैस पर ही पकाएंगे। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से हिलाया है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं, एकदम स्मूथ बना है ये, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, और हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो जो मैंने 1 कटोरी पानी निकाल कर रखा था उसकी ज़रूरत नहीं है। आप भी इसी तरह से थोड़ा सा पानी निकाल कर रखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रखिए कि हमें इसे अच्छे से पकाना है लो गैस पर, नहीं तो हमारी जो कुरडई है वो टूट जाती है। 5 मिनट बाद मैं इसे फिर से एक बार अच्छे से चला रही हूँ, ताकि ये नीचे से चिपके ना। और फिर से इसे ढककर 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। तो टोटल मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक पकाया है, और आप देख सकते हैं हमारा चावल का आटा अच्छे से पक चुका है और एक गाढ़ा भी हो गया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज हुआ है, अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी चक्री बना लेते हैं, कुरडई बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुरडई बनाने की मशीन ली है, उसमें एक प्लेट लगा ली है। अब हम इसमें आटा भर देंगे। मैंने इसको ऑयल कुछ नहीं लगाया है, अगर आप ऑयल लगाते हो तो हमारी जो कुरडई है उसे थोड़ी सी
अलग स्मेल आती है सूख जाने के बाद और थोड़े दिन रखने के बाद। तो मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाया है। अब मैंने इसे भर लिया है इस मशीन को और बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक ली है मोटी वाली। कभी भी कुरडई जो है वो प्लास्टिक पर ही बनाएं ताकि अच्छे से निकल कर आती है। और इस तरह से हम घुमाते हुए इसकी कुरडई बना लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से मैं ये कुरडई बना लेती हूँ। सारी कुरडई को हमें इसी तरह से बना लेना है। बहुत ही आसानी से बनती है ये, और ये बहुत ही सूखने के बाद बहुत ही अच्छी और बिल्कुल टूटती नहीं है। इसीलिए हमें इसे अच्छे से पकाना है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पकाओगे तो ये टूट जाती है। इसे कपड़े पर बिल्कुल ना बनाएं, इसी तरह से प्लास्टिक पर ही बनाइए। ये देखिए, मैंने सारी कुरडई जो है हमारी उसे बना लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल टूटी नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये बन चुकी है। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे। अगर आपके पास धूप है तो धूप में सुखाइए, अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और धूप में इसे सूखने के लिए 2 दिन लगेंगे और पंखे के नीचे हमें इसे 3 से 4 दिन तक सुखाना पड़ेगा। तो इसे हम सुखाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कुरडई है वो कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, बिल्कुल टूटी नहीं है। मैं अब आप इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फूली है, बिल्कुल डबल से ट्रिपल हो गई है फूलकर। और इसका कलर देख सकते हैं आप, कितना सफ़ेद आया है, बिल्कुल टूटी नहीं है। तो इसी तरह से हम बाकी की जो कुरडई है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। अब आप इसे 1 साल से ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को पसंद आती है, तो ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इसे मुझे बताइए। बनाते वक्त कोई अड़चन आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा है उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।